अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो बाहर जो है गर्मी काफी ज्यादा है। तो अभी आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ, काफी ज्यादा कड़क धूप है, वो पड़ रही है और गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई है। तो मेरा पसीना आपको पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आज जो है हमारा प्रोग्राम बना है ट्यूबवेल पे जाने का और आगे वहाँ पे नहाने का। तो गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में ये काम तो चलता रहता है, स्विमिंग पूल हो गया और हम गाँव के देहाती लोग हैं तो हम जो है ट्यूबवेल पे जाएंगे। तो फ्रेंड का ट्यूबवेल है तो वहाँ पे चलते हैं। तो सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, मैं हूँ, मुजम्मत हूँ, नवीद भाई है और सैफ है। तो ये तीन चार लोग हम जा रहे हैं, तो अभी जी निकलते हैं बाहर। तो वो मेरा इंतजार ही कर रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं तो अभी चलते हैं। मुजम्मत भी निकला है और नवीद भाई भी उधर खड़े सामने। तो आप धूप से देख सकते हैं कितनी ज्यादा कड़क धूप है और सूरज भी ये सामने ही है ऊपर। तो अभी चलते हैं। चले बाइक का लॉक जो है मैंने लगा दिया था, खोल देंगे। तो ये सारा साजो सामान भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ, शायद वहाँ पे काम आ जाए। चलो भी चलिए। सैफ आजा आजा। तो अभी हम जा रहे हैं तो गर्मी जो काफी ज्यादा हो गई है। तो मैं हूँ, मेरे साथ डबल है और मेरे साथ भी मैं हूँ सैफ। जो भी जेन में आता है ना वो बोल रहे हैं आप। हम नहाने जा रहे हैं तो अभी अपनी बाइक चलाते हैं और वहाँ जाके आप मिलते हैं। थोड़ी देर बस, चले ठीक है, बाहर जाके मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं तो आलू वाले नाल लेने हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए फिर आलू वाले नाल भी लेंगे। बोले ट्यूबवेल पे नहाने के साथ आलू वाले नाल खाने का चल अखीर ही मजा आता है। तो पता नहीं मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पे रोड है तो शोर काफी ज्यादा है, तो जैसे भी आएगी बर्दाश्त कर लेना। तो अभी यहाँ से जो है नहा ले लेते हैं। तो मोटा भाई जो हमारे वो नहा ले रहे हैं। यहाँ पे कितने नहा गए हैं नवी भाई? है 14, 5 तेरे, 2 इधर, 2 इधर, 1 मेरा। हाँ साढ़े भाई जान जी ला के देने के कराड़े, स्पाइसी ला देने हैं। चलो जी अभी नाल वगैरह लग लेते हैं फिर हम जाते हैं। ना जी हमारे लगे तो अभी लेके यहाँ से निकलते हैं फिर। ठीक है चलिए। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, तो नवीद भाई अंदर गए हैं बोतल लेने के लिए, तो वो सामने पी रहे हैं। तो यहाँ से बोतल लेते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, धूप भी बड़ी तेज है, मजा आ रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो सामने ट्यूबवेल चल रहा है और यहाँ पे जी नाला है जो खाला जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे पानी लग रहा है फसलों को। तो हमने बाइक वाम तक लेके जानी, तो वो देखते हैं कैसे लेके जानी। तो मैं अभी देख रहा हूँ, ओ इधर ही लगा दो, तो इधर ही लगा देते हैं बाइक, वो काफी तेज है वैसे। यहाँ इसे लगा देते हैं लॉक, ऑयल कर देते हैं इसका बंद और ये अपना उतार लेते हैं नीचे। वैसे जो है गर्मी बहुत तेज है, धूप काफी ज्यादा तेज है, तो पहले यहाँ पे जरा साइड पे बैठ जाएंगे तो फिर आके जाएंगे। तो पहले मैं आराम आराम से ना निकल लूँ यहाँ से। हाँ अब ठीक है, वो सामने जी ट्यूबवेल लगा हुआ है चल रहा है पूरे चौपन पे। तो वो सामने खड़े हैं जी हमारे अहमद भाई, जिनका ट्यूबवेल। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है? ठीक ठाक, ब्लॉग 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 यूट्यूब। तो ये ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पे, तो साल में ये जनरेटर भी चल रहा है, तो वहाँ काफी ज्यादा काम होगी। तो अभी मैं पानी वगैरह चेक कर लूँ कैसा ठंडा है के काफी ज्यादा ना अभी ना ठंडा। ओ माशाल्लाह पानी भी काफी ज्यादा ठंडा है। ना कर ना कर ना कर, पानी काफी ज्यादा ठंडा, अभी थोड़ा सा ना हम भी ठंडे हो जाते हैं तो बाद भी इसके अंदर चलते हैं, काफी ज्यादा ठंडा पानी। तो गाइज अभी जो कैमरा है वो मैंने चेंज कर लिया है, तो मैंने अपने मोबाइल रख दिया है। तो अभी आपको रिजल्ट है तो वो अभी नजर आ रहा होगा, काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो आप बताना कि रिजल्ट कैसा है। तो मेरे पास वैसे इतने पैसे नहीं है कि मैं ये फोन ले सकूँ, ये फ्रेंड का फोन लिया है ये वाले का। तो ये जी आईफोन 13 प्रो मैक्स है मेरा ख्याल से, 13 प्रो मैक्स है कि 12 है, तो ये वाला फोन है। तो अभी इससे व्लॉग करेंगे। तो सैफ और मुजम्मल जो है वो अंदर चले गए, तो मैं अभी अंदर नहीं गया। तो अभी मैं मोबाइल का इंतजाम वगैरह कर रहा था, तो काफी ज्यादा ठंडा पानी है, तो ट्यूबवेल भी फुल ओपन से चल रहा है। तो अभी चलते हैं पानी के अंदर और इंजॉय करते हैं। तो ये वैसे ये फसलों को पानी लग रहा है, आपको पीछे नजर आ रहा होगा, तो ये सारा खालो जो है वहाँ पे पानी जा रहा है सारा वहाँ पे। तो अभी चलते हैं और अंदर और जाके फिर नहाते हैं। मैं अपना मोबाइल पानी अपना मोबाइल में यहाँ पे रख दूँ, तो ये कहीं पे यही है ना किला ना आ जाए। तो अभी चलते हैं अंदर और मुजम्मल बाहर निकल आया, अब कहाँ जाने लगा हूँ अंदर।
आराम से अंदर जाऊंगा। नहीं नहीं मोबाइल है ना सर, काफी ज्यादा जो है गहरा है टेबल। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज तो, गर्मी भी काफी ज्यादा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट चलो। हाँ अभी मोटा भाई जो है वो हमारा जंप लगाने लगे हैं। चलो भाई यहाँ पे नहा रहे ताकि किसी के चोट वगैरह ना लगे, तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ यहाँ पे वहाँ पे नहा रहे, क्योंकि अगर खुला होता ना जैसे स्विमिंग पूल होता है तो फिर हम आपको अपने कर्तव्य दिखाते, लेकिन अभी यहाँ पे जो होती है वो छोटी है, तो इसलिए बड़े आराम से हम जहाँ पे नहाएंगे। और नवी भाई वहाँ पाए करे बैठे देखी जा रहे अंदर इनका हौसला भी पता अंदर जाने का। तो अभी हमने थोड़ी सी ब्रेक लिए नहा रहे थे तो खाने लगे हैं जी, जो हमने आलू वाले नहा लिए थे वो, तो यहाँ पे घूम के नीचे आम का दर्शन है सब घूम का, तो उसके नीचे बैठ के फुल देसी माहौल के साथ तो हम खाने लगे हैं जी आलू वाले नहा। और मुजम्मल है और साहब है वो अभी तक वहाँ से निकल ही नहीं, कह रहे हैं हमने नहाना है, तो अभी यहाँ से खा ले नहा रहे इससे पहले कि ये हमारे ख़त्म हो जाए मुक जाए, तो यहाँ पे आलू वाले नान खा लेते हैं साथ चटनी भी है यार। मेरा नाम गिरीश। वाह बिस्मिल्लाह। मज़ेदार है ना, साहब भी आ गया और मुजम्मल अभी वाज पे फिर जा रहा है, मेरा नान भी आ गया, अभी खा लेते नान फिर बाद में दोबारा करते हैं साथ। तो गाइस अभी खाना वगैरह जो खा रही है तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं बाहर ही स्कूल से, तो हवा भी चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल जो है हुआ है, हर तरफ खामोशी है, सिर्फ ये जनरेटर है इसकी आवाज़ आ रही है बाकी हर तरफ खामोशी है। तो अभी बैठेंगे बाहर कोई आधा घंटा 15 मिनट बाहर बैठेंगे फिर दोबारा जाएंगे पानी का, क्योंकि अभी खाना वगैरह खाया ना तो हम जा रहे हैं कि कोई किसी का पेट वगैरह दर्द ना करे, उसके पहले हजम करेंगे तो दोबारा जो है जाएंगे। तो फ्यूल वगैरह पीछे फुल चल रहा है तो फुल ठंडा पानी है और मज़ेदार पानी है और ये गहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मज़ा आता है नहाने का। तो अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद है दोबारा चलते हैं। तो गाइस अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमें बाहर बैठे हुए, तो अभी चलते हैं ट्यूबवेल पे और जाके दोबारा जो है नहाते हैं, तो कपड़े वगैरह भी सारे सूख गए हमारे, तो अभी चलते हैं ट्यूबवेल पे। हाँ वहाँ पे मैं मोबाइल पर है वहाँ पे रखा जा रहा है, इधर मेरा रुमाल का मोटे ये रुमाल है, तो ये रुमाल वैसे मैंने कैमरे वगैरह साफ करने के लिए रखा है, तो क्योंकि पानी के जो छीने वो कैमरे पे लगते हैं मोबाइल गंदा आता है, तो अभी जो है नहाते हैं। गाइस अभी हम जो है मुकाबला करने लगे हैं सांस रोकने वाला, तो अभी देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा लंबा सांस है। मैं हूँ मुकम्मल और ये साहब है। 1, 2, 3
तो वो सैम जीत गया। तो मुझे बताया गया कि सैम नहीं जीता, मैं जीता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी दूसरा राउंड लगेगा, अभी देखते हैं कौन जीतता है। चला भाई 1 2 3 स्टार्ट। ये मुकाबला जो है सह जीत गया। अभी हम जो है अगला मुकाबला करने लगे हैं पानी के अंदर ऐनक फेंकेंगे, वो ढूंढेंगे, हमारे पास सिक्का नहीं है तो हम ऐनक का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐनक जो है वो नवीन भाई फेंकेंगे, तो मुदम्मल मैं और साहब जो है मुंह जो दूसरी तरफ कर लेंगे। तो अभी नवीन भाई जो है फिर फेंकेंगे, अभी जो चलो जी अगला। और नहीं हाँ भाई की करन दे तो गाइस अभी हम नहा रहे थे तो हमारा जो ट्यूबवेल है वो बंद हो गया, तो उसमें कोई ख़राबी है मेरा ख्याल, या तो उसका डीजल वो ख़त्म हो गया। तो अहमद भाई देख रहे हैं डीजल, तो अभी वो स्टार्ट करते हैं। तो नवीब भाई जो है बाहर बैठे हैं और ये जो है ट्यूबवेल में पानी आधा रह गया, आधा बाहर निकल गया। तो ये मुजम्मल और सैफ, तो यहाँ पे खामोशी जो है काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा आपको भी बता दूँ। हाँ जी गाइस, तो अभी जो है मैं अपने पुराने मोबाइल पर आ गया, तो हमने भी नहा धो लिया, जनरेटर जो है हमने बंद कर दिया और वो उठा के वो ले गए, तो वहाँ पे आगे घर लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे अभी पता नहीं। तो यहाँ पे खामोशी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सिर्फ नवीद भाई हैं, बहुत नहा रहे हैं पानी के अंदर, ट्यूबवेल भी बंद है। खामोशी आप चेक करें कितनी ज़्यादा, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खामोशी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे हमें नहाने का। अभी जो पानी है इसमें इतना सा रह गया, कितना साफ सुथरा पानी है, आधा ही रह गया तकरीबन। तो नवीद भाई अभी नहा रहे हैं, तो अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे ताकि थोड़ी सी शाम हो, थोड़ा सा ठंडा माहौल हो, क्योंकि हमने जाना भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो जाते जाते फिर गर्मी लग जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं नहाने का।
तो वो वहाँ पे जी अपने जो जनरेटर है वो से धक्का लगा रहे हैं, तो वो दिखाता हूँ आपको क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ से हमने जनरेटर जो है वो उस पार लेके जाना है, तो ये तो पूरा यहाँ पे इतना बड़ा खाला है, यहाँ तो हम मोटरसाइकिल भी नहीं लेके आए थे, तो अभी इन्होंने जनरेटर है जो वो लेके जाना है, तो अभी बना रहे हैं इसके टायर के लिए बराबर जगह। तो अभी जो अहमद भाई है वो खींचेंगे, जोर लगा के हैया मैं चला नहीं पा रही, चलो भाई जोर लगा के हैया टायर पानी जो है कीचड़ उसके अंदर धंस गया है। एक टायर तो चढ़ चुका है, बस ठीक है इधर पकड़ कर दूसरा टायर चलाओ, लो जो चलो 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 पीछे आराम आराम ना आराम ना, हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सीधा 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 सीधा, ओ चला गया चला गया चला गया चला गया। तो अभी 2 मिनट धूप में खड़ा हुआ तो बस हो गई है, काफी तेज धूप है, तो वो भी जनरेटर भी चला गया, वो आप ले जाएंगे, काफी ज्यादा तेज धूप है, अभी छांव में बैठते हैं। तो गए अभी हम जो है वापस जाने लगे, तो वापस ही चलते हैं। तो अभी ये जो जनरेटर था हमने मोटरसाइकिल पीछे बांध दिया, अहमद भाई अभी इसे लेके जाने लगे वापस। चलिए अहमद भाई पूरा ही वो कह रहे हैं कबीर सिंह वाली आने के जो है अहमद भाई ने पहन ली है, सिर्फ क्या बात है क्या बात है। अहमद भाई अपनी 70 के साथ यूनाइटेड 70 और क्रोम नीम में जो कि मिट्टी में लटे पड़े हैं, और ये जी किकम लगा दी है उन्होंने, तो अभी स्टार्ट होता है मोटरसाइकिल, ये अभी आई है क्या बात है, बाइक जो है स्टार्ट हो गई है, तो अभी चले चले भाई, ओके जाने दो ओके 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 चले गए भाई अहमद भाई। वैसे काम मुश्किल ही लग रहा है मुझे, तो मोटरसाइकिल बैलेंस भी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम, चले गए। तो अभी जो हम भी चलते हैं, तो धूप जो काफी ज्यादा तेज है, तो निकलते हैं यहाँ पे। अभी हम आ गए थे अहमद भाई के डेरे पे, तो यहाँ पे उन्होंने जो जनरेटर था वो छोड़ दिया, तो नलके से पानी पी लें, फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी है, और मैं जरा अपने पाँव भी धो लूँ क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो रोड पे काफी ज्यादा, तो ये पानी से पाँव जो अपने मैं धो लूँ। तो अभी अहमद भाई बता रहे हैं कि हम आइसक्रीम खाने लगे हैं, तो ये जी स्पेशल आइसक्रीम है यहाँ पे, तो वो खाने लगे हैं। गर्मी जो है अहमद भाई अंदर 100 रुपए का कप है, तो अभी जो गर्मी है काफी ज्यादा है, धूप के साथ बस हो गई है, यहाँ तक आते आते ना सारा कुछ ठीक हो गया, टेंट वगैरह भी। अभी आइसक्रीम जो है वो खाते हैं, ये समुद्री का बास्किन रोबिन है। तो ये जी आइसक्रीम, वाह। ओके फिर अहमद भाई, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, ग्रेट। हाँ जी गाइस, तो घर आ चुके हैं, तो बाहर जो है गर्मी बहुत ज्यादा थी, घर तक आते आते जो कपड़े थे गीले थे, तो अच्छी तरह से ये सूख गए थे, तो मेरा रंग भी आपको शायद काला काला नजर आ रहा होगा, तो काफी ज्यादा मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी तकरीबन 5:30 हो गए, तो मैं बैठा यहाँ पे अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर रहा था, तो उम्मीद है कि आपको आज वाला व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।